अरे बहन कुछ नहीं कर रही अभी अभी हुई, हुई काम से फ्री जब तक सासू माँ ने आदेश दे दिया अरे लेटने क्या जाएगी सर्दियों में कौन लेटता है जा मेरा बैठी हूँ हाँ अब इसे सिलूंगी जब तक खाने का शाम का टाइम हो जाएगा जब आधे आ जाएगा भाभी चाय के संग चिप्स भी सेक देना अरे वो कली है ना नहीं वो चाय भी नहीं बनाएगी बहन दुनिया की नंद देखी है मैंने ऐसी ऐसी होती हैं कि दो कप चाय बना लाएंगी एक नहीं कि एक भाभी पी लेंगे एक हम हमारी नंद तो ऐसी है भैया पटरानी पूरी बाकायदा ऑर्डर ऐसे चलाएंगे ना कितनी बड़ी महारानी नहीं है अरे रुक के जाने सारी तो जाना तब पता चलेगी मैं और कह रही माता तो अरे मेरा ब्लाउज सिल जाए टाइम और रख देना मैं नहीं होगी माता जी खाने में फोड़ू किचन में फोड़ू आंखों को में फोड़ू जीने लायक के छोड़ोगी कि नहीं थे अरे बहन आज क्या हुआ तू सुन देख आज दोपहर में मैं सो गई और सोते ही मेरे सपने में यमराज आया और कहता है चल तेरा टाइम आ गया मेरे साथ नहीं भैया मैं कैसे जाऊंगी तेरे साथ मेरा तो बहुत सारा काम पड़ा है कपड़े भी धोने के लिए पड़े हैं बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं झाड़ू पोछा करना है सब कुछ करना है अरे भैया वो कैसे भी नहीं माने भैया तू मुझे माफ कर मेरे तो बहुत सारे काम पड़े हैं मैं नहीं जा सकती वो नहीं माने की नहीं जाना पड़ेगा बहुत मिन्नतों के बाद बोला तुझे एक ऑप्शन देता हूँ मैंने पूछी मैं क्या तू अपनी जगह किसी और को भेज दे मैंने बड़ी सोची मैं किसको भेजू किसको भेजू मेरे मन में आया कि अरे भैया सुन तू मेरी जगह मेरी सास को ले जा वैसे भी सासु मां ने तो दुनियादारी का सब कुछ देख लिया अब कोई काम तो बचा ही नहीं है अब एक माला का काम बचा है ऊपर बैठी बैठी जपती रहेंगी देखू के छोड़ गया मैया छोड़ गया आवर सा पहुंच गई तू अरे मैं नहीं आ रही हमारे घर में तो हम बहु नहीं काम वाली हैं अरे सासू माँ ने यो कह दी थी अरे तेरी, तेरी तो घर में रोज रोज शादी है रोज रोज, रोज जाएगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे पे तो इतनी सर्दी में काम नहीं होता अरे शादी करके लाई थी तभी इसी सासूमा ने यूँ बोली थी अरे हम बहू नहीं बेटी लेके जा रहे हैं अपनी आरती की तरह रखेंगे अब आरती की तरह नहीं रखी मेरी आरती उतार के रख दी बहन पूछ मत कहीं जाओ तो सोने की कह दो चीजों की माता जी ये दे दो पहनने के लिए वो दे दो न आजकल तो ऐसी चोरी डकैती चल रही है बीच में पकड़ लेंगे अरे भैया चीज चली गई तो फिर बन नहीं है महंगाई में अरे ये तो तुमने शादी क्यों करी बहू आएगी तो चीज वो तो पहनेगी पन्ना वो चले जाओ नाठ ने की तरह मंगलसूत्र में तो वैसे ही चले जाओ इनको शर्म ही नहीं लगती हाँ तब तो ऐसे दिखाए ना कितने पहनाएंगे क्या करेंगे आ? अरे रहने दो ये काम की वजह से कहीं नहीं जाने देती बुढ़िया मुझे हाँ पता है कोई आ जाए तब ऐसी दिखाई बहू की बराबर लाड़ो में किसी पे नहीं लड़ाती और बाद में कोई चला जाए तब देख तू इतने तो काम भाई ये नहीं करा तूने वो कर ले ये कर ले बेड पे ही चाहिए मैया बेटी को सारी चीज मैं तो पक मेंई हूँ के तक नहीं जाने देती तो ऐसी छोड़ छाड़ सब चली महीना के लिए तब तो करेंगी नहीं पर देख एक बात सोचिए मैंने अब सर्दी आ रही है थोड़ी सर्दी बढ़ने दे तब जाऊंगी लड़ लड़ा के के तब पता चलेगी बहू को ठंड नहीं लगती तो मैं ठंड लगती है ऐसे करते हैं सर्दी में काम तब पता चलेगी फिर देखना तब आएंगी ये लाइन पे हाँ मैं सोच के बैठी ऐसा ही करूंगी ठीक है चल रखती हूँ तो दो जनवरी की सर्दियों में अभी तब पता चलेगी <laughs>